Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Rao. I'm a fifth year medical student at Orenburg State Medical City. Back with another video. Har roz 7 baje meri video girti hai aapke YouTube channel pe. Isliye aapne subscribe karna chahiye aur notification ka jo bell hai usko daba dena chahiye taki us pe do aise semicolon aa jaye aur fir jaise hi mera video gire वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए, जिसके बाद आप उस पर अपनी उंगली, आप कोई भी उंगली अपनी उस पर रख सकते हैं, जिसके बाद एक मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा, यूट्यूब नामक एप्लीकेशन के द्वारा वह वीडियो आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। और यदि अगर आपको ऐड देखने का मन करता है तो करिए, नहीं तो स्किप कीजिए, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप रोज़ मेरी वीडियो देखिए और रोज़ कुछ नया और सच्चाई अब्रॉड के बारे में जानिए। आज एक्सपोज करेंगे कुछ एजेंट्स को, कुछ कंसल्टेंट्स को, कुछ बस ठीक है एजेंट्स कंसल्टेंट को। तो मेनली मैं बताऊंगा आज की एमबीबीएस अब्रॉड एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मित्रों, और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि क्या आप इस बार नीट नहीं देंगे और एडमिशन कर लेंगे। यदि आपने इस बार क्वालिफाई नहीं किया और एडमिशन कर लिया और अगले साल रशिया से इंडिया आके आप नीट दे देंगे और क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आपका क्या वो ईयर कंटिन्यू होगा, इस बारे में बात करेंगे। निश्चित रूप से आप सभी ने इस वीडियो पर उपस्थित रहना है। ठीक है, पहली चीज बात करेंगे कि एमबीबीएस अब्रॉड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले आप नीट क्वालिफाई होने चाहिए। अब यदि आप नीट क्वालिफाई हो तो क्या, और नीट क्वालिफाई नहीं हो तो क्या। तो यदि आप नीट क्वालिफाई हो, उसके कारण क्या होगा, आप नीट क्वालिफाई करके जाओगे, फिर आप जब अब्रॉड से अपना डिग्री, वो इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट और लाइसेंस लेके उस कंट्री का जब भारत देश में प्रवेश करेंगे, तब आपको पूछा जाएगा कि क्या आप नीट क्वालिफाई होके गए थे। आप बोलेंगे जी हाँ मैं नीट क्वालिफाई होके गया था, तो इंडिया बोलेगी हाँ, तो अगर आप क्वालिफाई करके गए थे तो आपको हमें नेक्स्ट नाम का एग्जाम ये देने देंगे, आप इसके लिए एलिजिबल है। आप नेक्स्ट दीजिए, उसको क्वालिफाई कीजिए, एक साल का इंटर्नशिप कीजिए, नेक्स्ट नाम का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन दीजिए और फिर हमारे यहाँ जॉब कीजिए, इंडिया में आपका स्वागत है। लेकिन मित्रों, यदि आपने नीट क्वालिफाई नहीं किया है तो आपको भारत देश बोलेगा आप नीट क्वालिफाई करके नहीं गए थे, आप नेक्स्ट नहीं दे सकते। वेरी इजी, ओके। बट आप क्या बिना नीट को क्वालिफाई करके इंडिया में बिना नेक्स्ट दिए इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? हाँ, तो कर सकते हैं। उसके कारण ये इंडिया में 5 जगहों के मेडिकल के जो लाइसेंस है वो वैलिड है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का चलते हैं, यूके, अमेरिका, जो प्लैब एग्जाम का यूके का लाइसेंस मिलता है वो चलता है, और यूएसएमली, मेनली मैं यूएसएमली और प्लैब, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया उस देशों के, अगर आपके पास लाइसेंस है, यूएसएमली आपने क्लैब कर लिया मतलब आप यूएस में डॉक्टर बन गए, यूके एमली क्लियर कर लिया मतलब आप यूके में डॉक्टर बन गए, अगर आपके पास उस दो मेन कंट्रीज के लाइसेंस है या किसी एक का भी है, तो आप इंडिया में उसके बेसिस पे यू कैन प्रैक्टिस, तो वो लाइसेंस को अपने यहाँ मान लेते हैं। लेकिन यदि आप यूके यूएसएमली का प्रिपरेशन नहीं सोच रहे, तो आपने निश्चित रूप से भारत में प्रैक्टिस करने के लिए नीट क्वालिफाई होके ही जाना है। मेरा उन सभी बच्चों से नम्र निवेदन है कि नीट क्वालिफाई करके ही जाए, कभी भी ये ना सोचे कि मैं यूके एमली दे दूँगा, यूएसएमली दे दूँगा, नहीं, वो सब बात की बात है, अपने को इंडिया आने का पहले सोचने का है। ठीक है, आप क्वालिफाई करके जाए, उससे आप एक अगर कॉन्फिडेंस के साथ आप जाएंगे कि बाबा मैं क्वालिफाई करके जा रहा हूँ, और हमेशा क्योंकि यूएसएमली यूके एमली बहुत कठिन परीक्षाएं हैं, मैं ये नहीं मानता, मैं आपके कैलिबर पे संदेह नहीं कर रहा हूँ मित्रों, लेकिन आप समझिए कि ये बहुत कठिन परीक्षाएं हैं। ठीक है, तो नीट क्वालिफाई करके जाए और एक सेफ साइड रखिए कि मैं इंडिया प्रैक्टिस करूँगा, क्योंकि नीट क्वालिफाई अगर आप नहीं किया तो इंडिया में आप नेक्स्ट नहीं दे पाएंगे ना गाइस, तो आपको यूएसएमली यूके एमली देना पड़ेगा और बहुत टफ एग्जाम्स होती है। तो सारे पेरेंट्स प्लीज़ आप अपने बच्चों को नीट क्वालिफाई करके भेजे, ये नंबर निवेदन है। सेकंड ये मित्रों,
कि आप नीट क्वालिफाइंग के बाद में आपका 10th और 12th आपका मैट्रिक होता है। इसमें आपका 10th का मार्क्स मैटर नहीं करता, सिर्फ 12th का मार्क्स मैटर करता है। एडमिशन के लिए आपको 10th 12th का मार्कशीट चाहिए होता है। 12th में कितने मार्क्स चाहिए, तो 12th में आपका PCB 150 होना चाहिए यदि आप ओपन कैटेगरी से हैं। आपका PCB फिजिक्स 100 मार्क्स का होता है, केमिस्ट्री 100 मार्क्स का होता है, बायो 100 मार्क्स का होता है। अगर ये तीनों की टोटल मिला के आपको 150 है और आप ओपन कैटेगरी है तो आप आ सकते हैं। यदि आप कोई रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, जैसे आप SC ST OBC NT जो भी आपकी भिन्न भिन्न कास्ट है आप उनसे बिलोंग करते हैं ओपन छोड़ के, तो आपको 135 नंबर होने चाहिए, 150 नहीं चाहिए, 300 में से आपको 135 चाहिए। 100 फिजिक्स, 100 केमिस्ट्री, 100 बायो, आपको तीनों मिला के 135 चाहिए। डजंट मैटर कि फिजिक्स में कम है, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, मैटर करता नहीं। आप तीनों सब्जेक्ट में पास होने चाहिए, मतलब 12th आप पास होने चाहिए और ये तीनों सब्जेक्ट के टोटल मिला के 135 नंबर होने चाहिए अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं मित्रों। ठीक है, बात ध्यान सुनिएगा, ये बेसिक सा क्राइटेरिया है। आपको और कुछ नहीं चाहिए, नीट क्वालिफाई चाहिए और 11th 12th में ओपन हो तो PCB 150 और रिजर्व हो तो PCB 135, 300 में से। और आपका मेन है पासपोर्ट। यदि आप अब्रॉड का अभी से सोच रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप आपने पासपोर्ट बनाने डाल देना चाहिए। और आपको पता है कि मैं समेर अराउंड 350-400 मेरा स्कोर बन रहा है और मैं इस साल भी इंडिया में मेडिकल सीट नहीं ले पाऊंगा और मुझे MBBS ही परसों करना, तो मैं अब्रॉड जाऊंगा। तो आप अभी से पासपोर्ट बनाना चाहिए क्योंकि इस साल बच्चों के पासपोर्ट के कारण एडमिशन कैंसिल भी हुए हैं, बहुत लेट उनके पासपोर्ट्स हैं। और यदि आपका एकदम एंडिंग में भी मन करता है कि यार मेरे को अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहिए, तो यदि आपके पास पासपोर्ट है ना तो एक दिन में एडमिशन हो जाता है। पासपोर्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉलिड चीज़ है। तो एक यूनिवर्सिटी जैसे समारा ही मान लो, वहाँ पे 5 सीट्स और बढ़ाई गई थी, ठीक, बहुत एडमिशन की क्वेरीज आ रही थी वहाँ पे, बहुत 5 सीट्स बढ़ाई की, तो उन्होंने डाला कि 5 सीट्स अवेलेबल। बच्चे जो करना चाहते थे उन वो नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने पासपोर्ट नहीं थे। तो पासपोर्ट यदि आपके पास है तो आपका एक ही दिन में एडमिशन तुरंत हो जाता है। तो सारे बच्चे जो अभी से प्लान कर रहे हैं वो प्लीज़ पासपोर्ट ज़रूर अपना बनाए। ये बेसिक सा क्राइटेरिया है। बाकी MBBS अब्रॉड का बजट वजट के बारे में मैंने डाल दी कि आपको एक एस्टिमेट कितना कॉस्ट आता है। सेकंड बात ये कि क्या भैया हम अभी नीट क्वालिफाई न करते हुए भी भारत देश के बाहर प्रवेश करके मेडिकल की पढ़ाई करके अपना इंडिया वापस आ सकते, तो नहीं आ सकते। अभी मेन क्वेश्चन में इस बात की बात करूंगा कि भैया हम अगले साल नीट दें क्वालिफाई के लिए चले, इस साल क्वालिफाई नहीं हुआ, मैं इन अब्रॉड में एडमिशन ले लूँगा लेकिन अगले साल क्वालिफाई कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होता। ये जो स्कीम आई थी ना, ये 2020 बैच के लिए आई थी। 2020 के मार्च में कोविड हिट किया था और उस समय बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई थी, कोई कोई सेंटर्स पे पहुँच नहीं पाया था। तो 2020 में बहुत सारे बच्चे मेंटली भी बहुत ड्रेन हो गए थे इन सब चीज़ों को लेके। तो 2020 में जो नीट हुई थी, आई गेस सितंबर या कुछ इसमें हुई थी, तो बहुत बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, किसी का एग्ज़ाम नहीं गया था। तो ईयर वेस्ट ना हो इसलिए गवर्नमेंट ने, NMC ने बोला था कि 2020 में यदि, या 2020 में यदि आपने एडमिशन लिया है और आप नीट क्वालिफाइड नहीं है, तो आप 21 में इंडिया आके नीट दीजिए, क्वालिफाई कीजिए और आपका फिर वो कंटिन्यू होगा। मतलब 2020 में आप एडमिशन ले लिए, क्वालिफाई नहीं किए, 21 में इंडिया आइए, 21 वाला नीट दीजिए, क्लियर करिए और आगे बढ़िए। तो लेकिन कुछ मेरे मित्र कंसल्टेंट और एजेंसी ने इस भ्रम में वचुक रखा है कि 2021 वाले 22 वाले भी ये सब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों के एडमिशन नहीं है। जब भी कोई बच्चा नीट क्वालिफाई नहीं करता, बोलता यार सर मेरा नीट क्वालिफाई नहीं, मेरा एडमिशन करा दो, दैट्स हाउ दे यूज यू गाइस। आपको फिर वो यूज़ किया जाता है कि सर मैं क्वालिफाई नहीं, मेरा करा दो। आपको लगता है कि भाई तुम क्वालिफाई नहीं हो, मेरा तुम्हारा एडमिशन करते, बहुत बड़ी बात है। रशिया या किसी भी कंट्री को, भारत को छोड़ के आपके नीट का कोई फर्क नहीं पड़ता। रशिया में आके कहीं पे भी बिना नीट के एडमिशन होता है। यहाँ के कॉलेज को तुम्हारे नीट से क्या लेन देन?
नीट क्वालिफाई होना तुम्हारे एनएमसी के लिए लेन देन है 6 साल बाद, जब तुम इंडिया जाओगे तब एनएमसी पूछेगा। रशिया को या यूक्रेन को या कजाकिस्तान की तो तुम्हारे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम आओ, ये तो इनका करिकुलम है ना, तुम आओ पढ़ो जाओ बिना नीट के आओ। लेकिन आप जब इंडिया जाएंगे तब एनएमसी पूछेगा, बेटा तू गया था ना? बोले हाँ सर गया था। तो नीट क्वालिफाई करके गया था क्या? बोले नहीं सर नहीं गया था। तो क्यों नहीं गया था? मेरे कंस्ट्रक्टर ने बोला था कि इस साल चले जाओ अगले साल आके नीट देना। तो तुम्हारे कंस्ट्रक्टर ने तुम्हारा तुमको मूर्ख बनाया है। तो सुन लो मेरी फिर से बात, 2020 वाले बैच के लिए ही एग्जामिनेशन था कि वो 2021 में आके नीट दे दे। 21, 22, 23 उसके आगे जो भी है ऐसा कोई रूल नहीं है। आप जिस साल जा रहे हो उसी साल आपको क्वालिफाई करके जाना है, या तो एक साल रुक जाओ क्वालिफाई करो फिर जाओ। क्लियर? ये भी मैंने बता दिया। अब बता दो कि जो नीट रिजल्ट होता है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो मान लो कि कोई बच्चा है जिसने 2023 में नीट क्वालिफाई किया था, ठीक है, बोले भैया मेरा नाम ऐसा ऐसा है, मैं फलाना फलाना जगह से हूँ, तो 2023 की जो नीट थी मैंने वो तो क्वालिफाई कर दी थी भैया, तो मेरे को सोचा मैं और एक रिपीट कर लूँ और ट्राई करूँ, लेकिन 2024 में मैं नीट क्वालिफाई ही नहीं हो पाया, ये वाली नीट मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो क्या मैं एडमिशन ले सकता हूँ? हाँ ले सकते हो। एक जो नीट रिजल्ट है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है, वो ईयर अगला ईयर उसका अगला ईयर। तो जैसे अगर आप 2023 में क्वालिफाई हुए उस नीट के बेस रिजल्ट के बेस पे आप एनएमसी को बोल सकते हो मैं 23 में क्वालिफाई हुआ था, फिर मैं 24 में जब गया तो नहीं क्वालिफाई हुआ किसी कारणवश नहीं दे पाया। तो 2023 का जो रिजल्ट है वो 23, 24, 25 में चलेगा, आप उसके बेसिस पर मिले। तो 24 वाला 24, 25, 26, 25 वाला 25, 26, 27 उस साल का अगला साल उस साल के अगले साल। तो कोई बच्चा यदि इस साल एडमिशन लेना चाहता है तो कम से कम वो 2022 या 23 में क्वालिफाई होना चाहिए, तभी वो 24 में एडमिशन ले पाएगा, या तो आप 24 में क्वालिफाई लीजिए। मतलब अगर 2024 में कोई बच्चा क्वालिफाई नहीं होता और उसको फिर भी एडमिशन लेना है लीगल तरीके से इंडिया आके नहीं देना, तो या तो 2022 में क्वालिफाई होना चाहिए या तो 23 में क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक नीट रिजल्ट 3 साल चलता है। तो अभी कौन सा रिजल्ट लेगा आपका? 22 वाला चलेगा, ये वाला, ये इस वाले पे 23 वाला भी चलेगा। तो एक नीट रिजल्ट 3 साल चलता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगा जिसमें भी आपको भ्रमित रखा गया है कुछ मेरे मित्र कंसल्टेंट एजेंसीज भाई और सर और बहनों ने, कि एक काम करिए बेटा, अभी काम करिए कि तुम सर मेरा एडमिशन करा दो, सर अक्टूबर हो गया, मैं बहुत लेट हो गया सर, मेरी ओरियम्बक की बहुत इच्छा थी सर, एक काम करो तुम अभी EC030 में ले लो, अगले साल तुम्हारा ओरियम्बक में ट्रांसफर करा देंगे। तो बोलते अरे यार मेरा ईयर भी वेस्ट नहीं होगा, मैं ओरियम्बक में जाना था, मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा और मैं सब चंगा हो जाएगा, सब चंगा सी लेकिन सब भंगा सी, समझ रहे हो। यदि आपने अभी एडमिशन ले लिया 2024 में, आपको पूरे 6 साल उसी यूनिवर्सिटी में गुजारने पड़ेंगे, आप ट्रांसफर के लिए वैलिड नहीं है। मेरी पूरी बॉडी नहीं हिल रही, सिर्फ मेरा मुंह हिल रहा है। एनएमसी ने 18 नवंबर 2021 को एक FMGL रेगुलेशंस का एक गजेट लागू किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि आज के बाद हम ट्रांसफ़र अलाउ नहीं करेंगे। यदि किसी बच्चे की क्लासेस 18 नवंबर 2021 के पहले शुरू हुई है, उसी वही बच्चा, जो भी बच्चे जिनकी क्लासेस 18 नवंबर 2021 के पहले शुरू हुई है, उसी वही बच्चे ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो 2021 की बैच के वो बच्चे जिन्होंने जिनकी क्लासेस 18 नवंबर के पहले शुरू हुई थी 2021 के पहले, वही आज ट्रांसफ़र ले सकते हैं। जिनकी क्लासेस 18 नवंबर 2021 के बाद चालू नहीं कि बात चालू है, वो ट्रांसफर नहीं करते क्योंकि वो नए रेगुलेशंस के अंडर गिरते हैं। तो 2022 मोटा मोटा मान लो कि वो अच्छे हैं जो ट्रांसफर नहीं ले सकते, 2022 की बैच वाले कभी अपने लाइफ में ट्रांसफर नहीं करते, वहां से आगे अभी कभी ट्रांसफर वैलिड नहीं होगा। तो जो 2022 वाले बच्चे जो अभी प्रेजेंटली सेकेंड ईयर में है, जो बोलते कि भैया मैं फेल हो गया, मेरा ट्रांसफर ना, ट्रांसफर वैलिड नहीं है, आपको एनएमसी वैलिड नहीं करेगी, आपको जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उसी कॉलेज में आपको 6 साल निकाल लें। तो 2022
वाली बैच और उसके आगे वाली बैच जो भी होगी आपको किसी के लिए ट्रांसफर अलॉट। तो आप 2024 में जो बच्चा एडमिशन लेगा सोच समझ के कॉलेज चूज करें, एक बार कर लिया फिर आप वापस नहीं आ पाएंगे, मतलब आप वहाँ से चेंज नहीं कर पाएंगे। यदि आपको चेंज करना है तो आपको फिर से फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना पड़ेगा, फ्रेश एडमिशन करना पड़ेगा। मतलब मान लो कि मेरा कज़ान में एडमिशन हुआ है तो अभी एक साल हो गया, मेरे को अभी ओरियनबर्ग में आना है तो मैं ट्रांसफ़र ले सकता, ठीक है। तो मैं मेरे को कज़ान से ख़त्म करना पड़ेगा पूरे संबंध अपने, ओरियनबर्ग में फर्स्ट ईयर से एडमिशन लेना पड़ेगा, तो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें सब बच्चे ध्यान रखो। अगली बार कोई आपको एजेंट फंसा तो बोलना कि हम लोकेश राउत की वीडियो देख के आए हैं और सब्सक्राइब भी किया है, ठीक है। बेशर्म अब तो कर लो, वीडियो को लाइक किया करो जैसे वीडियो खोलते हो। ये बहुत मेरे को बहुत दिन से बताना था क्योंकि मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज अभी आते रहते हैं, भैया मेरे को ट्रांसफर लेना है। मैं जब समझाता हूँ उनको तो एक तो 30 बच्चों की बैच है, मोड़ दो भी है, कोई इतनी जगह है वहाँ पे 30 बच्चों की बैच है किसी यूनिवर्सिटी में। उसने बोला कि भैया हमारे अभी हमको ट्रांसफर लेना है, हम सेकेंडरी में है अभी। मैं बोला कि भैया तुम ट्रांसफर कैसे लोगे, आप तो 2021 के बाद आपकी क्लासेस शुरू हुई, मतलब 2022 में हुई है तो आप ट्रांसफर नहीं ले सकते। उनको जब समझाया मैंने तो देवर लाइक की क्या कर दिया, तो वहाँ 6+1 है, 7 या 8 इसका कोर्स है किसी कंट्री में जिन्होंने मेरे को कॉन्टैक्ट किया था। तो प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान रखें। बाकी किसी पेरेंट्स को या किसी बच्चों को मेरे से व्हाट्सएप पे बात करनी होगी तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। कोई इंस्टाग्राम पे कंफर्टेबल होगा तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करे, ठीक है। हेलो लिख के ना छोड़े, हेलो मेरा नाम ये है, मैं इस जगह से हूँ, तालुका ये डिस्ट्रिक्ट ये महाराष्ट्र या जो भी और मेरी सर ये क्वेरी है, ये भैया ये क्वेरी है, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे भी अगर आप मुझे मैसेज करते हो, मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस नंबर पर एड्रेस सेव करना है, तो बोलना है कि हेलो माय नेम इज लोकेश राउत, आई एम फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र इंडिया और मैंने आपकी वीडियो रेगुलर देखे। ये लाइन आपको बोलने जरूरत नहीं है, मतलब आप झूठ बोल सकते हो यदि आप नहीं देखते तो और मेरी भैया ये क्वेरी है तो इसका मुझे कुछ आंसर कीजिए। तो मैं जब भी समय मिलेगा मैं करूँगा, मैं विद इन 2 to 3 hours में रिप्लाई कर दूंगा, कॉल वॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये थी वीडियो चले जाएगा, चैनल तो सब्सक्राइब कर देना, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन धन्यवाद और जय श्री राम।